वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। यहाँ पर मेरे पास टू क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट है कन्वर्जन ऑफ किलोग्राम्स टू ग्राम्स। हमने केजी को शॉर्ट फॉर्म है किलोग्राम्स की, ओके केजी। तो हमने केजी को कन्वर्ट करना है ग्राम में, जी में, ओके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि ये 17 केजी है ना, तो 1 केजी जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, तो 1 केजी किसके इक्वल होता है 1000 ग्राम्स के, ओके। तो यहाँ पर हमने ग्राम्स की भी शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, ओके। ग्राम्स की जी आगे शॉर्ट फॉर्म, और केजी क्या है, किलोग्राम्स की है। तो 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। तो जब 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं, हमने 17 केजी में ग्राम्स फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 17 केजी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 17 का 17 आ गया। तो और हमारे पास जब 1 केजी में 1000 ग्राम्स हैं, तो हमने क्या करना है, 17 को मल्टीप्लाई करवा देना है, 17 केजी में ग्राम्स फाइंड करने के लिए 17 को मल्टीप्लाई करवा देना है 1000 से। तो 1000 आ जाएगा यहाँ पर, साथ में जी आ गया, तो 17 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाओ तो 17 आ जाता, और 3 जीरोज़ यहाँ पर आ गए, तो 17000 ग्राम आ गया, ओके ओके 17000 ग्राम्स हो गया। इसी तरह हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। तो हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख दी, और अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 1 केजी में 1000 ग्राम्स हैं, अब हमने 300 केजी में फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर सॉरी 1 नहीं लिखना, हमने यहाँ पर 3 लिखना है, यहाँ पर लिखें 300 केजी। 1 केजी में 1000 ग्राम्स हैं, तो 300 केजी में ग्राम्स कितने होंगे, हमने यहाँ पर क्या लिख लेना है, 300 मल्टीप्लाई, जब 1 केजी में 1000 ग्राम्स हैं तो 300 केजी में फाइंड करने के लिए कि कितने ग्राम्स होते हैं, 300 को मल्टीप्लाई करवा दें 1000 से, गुड 1000, और यहाँ पर ग्राम आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 1 टाइम 3 आ जाएगा, और ये कितने जीरोज आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 जीरोज आ जाएंगे, और यहाँ पर ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया, इतना ग्राम्स आ गया, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे कोई भी नंबर हो, 17 है यहाँ पे, 300 है, कोई भी आपके पास आ जाए, उसको केजी में हो, उसको आप ग्राम्स में जी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह मिलीलीटर्स को यहाँ पर देखें, लीटर और मिलीलीटर, उसको मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो मैंने सब पे वीडियोस बनाई हुई हैं। इसी तरह सेकंड्स, आवर्स, ईयर्स, सारा कुछ है, तो मैंने उन पे कन्वर्जन पे वीडियोस बनाई, आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।